हेलो फ्रेंड्स, मैं मोतो वायरस स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ फ्रेंड। और यार यहाँ पे पबजी मोबाइल की तरफ से एक ट्रेलर लॉन्च किया गया जो कि यार आप लोग का यहाँ पे होने वाला है जो अपकमिंग रमजान के जितने भी इवेंट है उससे रिलेटेड। तो गाइज मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रेलर भी दिखाऊंगा और साथ में गाइज उसी के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन सा आप लोग का अपकमिंग इवेंट यहाँ पे आने वाला है रमजान से रिलेटेड। और साथ में गाइज यहाँ पे मैं वीडियो में लास्ट में गाइज आप लोग का 0.18.0 से गाइज रिलेटेड मतलब चार न्यू फीचर आप लोग का यहाँ पे बीटा वर्जन में ऐड कर दिया गया। और गाइज जो आप लोग का 7 मार्च को आएगा उसमें गाइज ये चारों फीचर आप लोग को देखने को मिलने वाला। तो गाइज मैं वो सारा कुछ भी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि यार आप लोग को इवेंट प्लस गाइज जो आप लोग का न्यू फीचर्स आने वाला वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ट्रेलर देखो, उसके बाद गाइज इस इवेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। Ramadan Kareem. PUBG Mobile has never-ending rewards. From April 28th to May 2nd, log in every day and complete missions to receive 2 chances to win an iPhone 11 and AirPods. Total 8 draws for an additional chance to get classic coupons. Log in for 5 days starting May 11th to get the Winged Elephant Backpack. Log in for a total of 7 days to get a permanent Ramadan avatar. Join in to unlock the Ramadan event grand prize. सो ओके गाइज, जैसा कि यार आप लोगों ने यहाँ पे अभी ट्रेलर देखा होगा तो गाइज उसमें आप लोगों को 2 इवेंट दिखा होगा जो कि गाइज आप लोगों का रमजान से रिलेटेड है। तो गाइज पहला इवेंट तो गाइज आज ही आप लोग का आ चुका है यानी कि 28 अप्रैल। और गाइज यहाँ पे आप लोगों, जैसा कि आज मैंने सुबह ही इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के गाइज आप लोगों को बताया था कि लक्की मनी ट्री करके एक इवेंट आया, तो गाइज इसमें आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा कि ये इवेंट आप लोगों को दिखाया गया था कि आप लोग का 28 तारीख को आएगा जिसमें आईफोन या फिर एयरपोड्स आप लोग यहाँ पे विन कर सकते हो। तो गाइज ये तो इवेंट चलो पहला इवेंट था, बाकी गाइज यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ट्रेलर में एक और इवेंट आप लोग का जो कि गाइज आने वाला है जिसमें गाइज 7 दिन के लिए आप लोग को लॉग इन करना पड़ेगा और गाइज वहाँ पे आप लोग को काफी सारे रिवार्ड मिलने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं चलो आप लोग को उसी का गाइज स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और गाइज यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप लोग क्या क्या चीज मिलेगा। तो गाइज ये देख सकते हो, ये आप लोग का 11 मई को ये इवेंट आएगा जिसमें गाइज सिंपली आप लोग को 7 दिन तक यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा जिसमें गाइज यहाँ पे देख सकते हो पहला दिन आप लोग को स्क्रैप कूपन मिलेगा, दूसरे दिन आई गेस यहाँ पे ग्राफिटी है, तीसरे दिन यहाँ पे आप लोग को आउटफिट मिलेगा, चौथे दिन गाइज यहाँ पे अगेन आप लोग को स्क्रैप कूपन मिलेगा और 5वें दिन गाइज यहाँ पे देख सकते हो एक बैकपैक का स्किन मिलेगा जो कि गाइज 3 दिन के लिए। उसके अलावा 6ठे दिन यहाँ पे ग्राफिटी और 7वें दिन देख सकते हो गाइज ये आप लोग का परमानेंट अवतार मिलेगा, रमजान वाला गाइज ये परमानेंट अवतार मिलेगा। तो गाइज ये आप लोग का हो गया जो अपकमिंग इवेंट के बारे में यानी कि गाइज आप लोग का रमजान से जो अपकमिंग इवेंट था। अब गाइज यहाँ पे 0.18.0 का फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन गाइज यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार बोलना चाहूंगा कि डाउटनेट पर होगा अब सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का होगा सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप और सबमिट करो, बस 3 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन पाओ। साथ ही क्लास 6 से 12 लेकर नीट आईआईटी जी मेंस एंड एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। सो ओके गाइज यहाँ पे देख सकते हो अब मैं आ चुका हूँ बीटा वर्जन में। और गाइज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन पहले ही गाइज यहाँ पे बीटा वर्जन का अपडेट आया था 0.18.3। तो गाइज यहाँ पे 4 न्यू फीचर्स जो कि गाइज पबजी मोबाइल की तरफ से ऐड किया गया बीटा वर्जन में। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला फीचर्स की बात की जाती है और यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को सिंपली मेल बॉक्स में गाइज यहाँ पे देख सकते हो बीटा वर्जन में कुछ मेरे को मेल आया हुआ जो कि चीयर पार्क रिवार्ड करके। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये चीयर पार्क क्रिएशन कार्ड करके कुछ मेरे को मिला है। तो चलो गाइज यहाँ पे मैं जल्दी से इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। हालांकि यार यहाँ पे कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ जो कि आज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बट यार यहाँ पे मैं फिर भी आप लोगों को चलो समझाता हूँ कि इसका क्या यूज है यानी कि आज आप लोग इसको क्या मतलब कहाँ पे यूज कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तो गाइज यहाँ पे यूज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद गाइज आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ यूज चीयर पार्क क्रिएशन कार्ड टू क्रिएट ए प्राइवेट चीयर पार्क, यू विल इंटर योर प्राइवेट पार्क इमिडिएटली आफ्टर इट इज क्रिएटेड। यानी कि गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग रूम कार्ड बना के गाइज आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, TDM हो गया या फिर कोई भी क्लासिक वगैरह कोई भी मैच, उसी तरह गाइज यहाँ पे भी एक आप लोग का मतलब ये आप लोग का रूम कार्ड मिल रहा है जिससे आप लोग चाहो तो चीयर पार्क वाला जो आप लोग का न्यू मोड आएगा उसमें आप लोग यहाँ पे रूम बना के अपने फ्रेंड को इन्वाइट करके गाइज वहाँ पे आप लोग अपना चाहो तो यार मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा मेरे को फीचर्स लगा। उसके अलावा यार यहाँ पे एक और मतलब फीचर्स आया जहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों को काफी सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं तो गाइज यहाँ पे आप लोग
एक बार में मतलब इनवाइट ऑल या फिर गाइस रिजेक्ट ऑल करके आप लोग कर सकते हो। गाइस होता ही है कि काफी सारे मतलब बहुत लोग का रिक्वेस्ट आ जाता है बड़े बड़े स्ट्रीमर को, तो गाइस उनको मतलब एक एक करके हटाने में प्रॉब्लम आती है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग चाहो तो एक बार में एक्सेप्ट कर सकते हो। और गाइस हालांकि यहाँ पे फीचर आप लोग नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मतलब बीटा वर्जन में एक भी रिक्वेस्ट नहीं आया, लेकिन गाइस जैसे ही यहाँ पे मेरा मतलब मैं कोई रिक्वेस्ट आएगा तो गाइस मैं अलग से वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कि कैसे आप लोग वहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा इधर यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स नंबर 3, यानी गाइस यहाँ पे आप लोग को जैसा कि पता होगा कि कंट्रोल्स में गाइस काफ़ी ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम होती थी, खास करके जब से यार 0.17.0 वर्जन आया था, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या था कि आप लोग का एरिना के लिए अलग से आप लोग को यार यहाँ पे कंट्रोल मतलब करना बनाना पड़ता था। उसके अलावा एपीपी के लिए आप लोग को अलग से कंट्रोल यहाँ पे बनाना पड़ता था, लेकिन गाइस यार अब यहाँ पे क्या है कि अब मतलब पबजी वाले यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गाइस कि आप लोग मतलब सेम टू सेम चारों में, यानी कि क्लासिक का आप लोग एपीपी या फिर टीपीपी हो गया, या फिर गाइस एरिना में आप लोग का एपीपी हो गया या फिर टीपीपी, चारों में गाइस आप लोग सेम यहाँ से एक जगह से कॉपी करके आप लोग सेम मतलब चारों जगह पे डाल सकते हो। तो गाइस ये मेरे को फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि गाइस आप लोग को पता है कि अगर मान लीजिए अलग अलग गाइस सब जगह कंट्रोल्स हो जाता है तो गाइस आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है। तो गाइस ये मेरे को फीचर्स काफ़ी ज़्यादा सही लगा, और गाइस ये बहुत ही पहले पबजी मोबाइल को मतलब ले आना चाहिए था, लेकिन गाइस चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 0.18 में ये आप लोग का फीचर्स मतलब फाइनली वापस आ जाएगा, जिससे गाइस आप लोग यहाँ पे बिल्कुल मतलब सेम टू सेम आप लोग क्लासिक वाला कॉपी कर सकते हो, एरिना में एपीपी हो गया या फिर टीपीपी हो गया, सब जगह पे आप लोग ये कर सकते हो। तो गाइस ये फीचर्स उसके अलावा यार यहाँ पे बात करते एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स था गाइस सेंसिटिविटी की। यहाँ पे गाइस क्या होता था कि यार कि काफ़ी सारे बंदों के साथ ये होता था गाइस कि अचानक से यहाँ पे उन लोगों का सेंसिटिविटी गाइस कभी कभी बिगड़ जाता था। तो गाइस उसमें क्या होता था कि जैसे कि यार आप लोगों को पता कि सबका सेंसिटिविटी बिल्कुल अलग अलग होता है, तो गाइस उसमें क्या होता था कि यार काफ़ी सारे लोग अगर मान लीजिए सेंसिटिविटी बिगड़ जाता था तो गाइस उनको समझ में नहीं आता था कि मेरा मतलब पुराना वाला क्या था। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पबजी मोबाइल यार यहाँ पे एक फीचर दिया है जो कि यहाँ पे देख सकते हो अपलोड टू क्लाउड, यानी कि गाइस आप लोग यहाँ पे जैसे ही मतलब इस पे क्लिक कर दोगे तो गाइस जो आप लोग का अभी करंट वाला ये आप लोग का सेंसिटिविटी गाइस वो आप लोग का यहाँ पे पबजी मोबाइल के अंदर क्लाउड में सेव हो जाएगा। यानी कि गाइस अगर मान लीजिए आप लोग का कभी गड़बड़ हो जाता है या फिर गाइस कोई इधर उधर आप लोग का यहाँ पे सेंसिटिविटी बिगड़ जाता है, तब भी गाइस कोई बात नहीं, आप लोग गाइस चाहो तो आराम से यहाँ से कॉपी करके फिर से सेम टू सेम वापस ला सकते हो। और गाइस यहाँ पे मैं चलो आप लोग करके भी दिखाता हूँ ताकि यार आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऊपर में गाइस जो भी 6x वगैरह जितने भी यार यहाँ पे स्कोप है, चलो इसको मैं थोड़ा बहुत बिगाड़ता हूँ, उसके बाद गाइस देखते हैं कि क्या मेरा पुराना वाला जो यहाँ पे सेंसिटिविटी वो वापस आता है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने सबका यार परसेंटेज यहाँ पे जल्दी जल्दी बढ़ा दिया, उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ और गाइस देखते हैं कि मेरा पुराना वाला जो गाइस मतलब यहाँ पे था सेंसिटिविटी वो वापस आता कि नहीं। तो देख सकते हो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो गाइस मेरा पुराना वाला सेंसिटिविटी आ गया। तो गाइस ये बहुत ही मतलब बेस्ट फीचर लगा, जिससे गाइस आप लोगों को पता कि आप लोग बार बार गाइस सेंसिटिविटी बिगड़ जाता है, तो गाइस अब आप लोग मान लीजिए बिगड़ भी गया तो गाइस आप लोग आराम से पुराना वाला वापस ला सकते हो। तो गाइस ये टोटल मिला के 4 फीचर्स था जो कि आज आप लोग को मैं सोचा चलो बता देता हूँ, हालांकि यार ये छोटा छोटा फीचर्स था बट यार ये भी आप लोग का गेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। उसके अलावा गाइस यार यहाँ पे अभी बीटा वर्जन में गाइस अभी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जो कि आज अभी तक मैंने कवर नहीं किया, ऑलमोस्ट गाइस यार यहाँ पे मेरे को लगभग यार 10 वीडियो और बनाने पड़ेगा तब जाकर गाइस मेरा पूरा बीटा वर्जन का मतलब जो भी टॉपिक है गाइस वो कवर होगा। तो गाइस मैं इस वीडियो में तो हालांकि अभी नहीं बता सकता क्योंकि गाइस ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो गाइस मैं एक एक करके अलग से मतलब सबके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यस गाइस बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.